भारत में उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। ये योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था, जिसका नारा था उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानन अवसंरचना और हवाई संपर्क में सुधार करना था। उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के बीच पहली विमान सेवा 27 अप्रैल 2017 को शुरू की थी। What Uran scheme has done, not just for connecting people, it has also helped to build the aviation sector and industry in the country. Today, if you look at the number of airlines that operate under the Uran scheme, leave aside the bigger airlines which we are all familiar with, we have airlines which operate either fully on the Uran, under the Uran scheme, or to a large extent under Uran scheme, and these are all recent. In some ways, you could say this is creating the environment for these small operators to come, start up type of airlines to come up and start operating, and then with the ambition of growing bigger as time goes by. नागरिक विमानन मंत्रालय ने 100 कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करने और 1000 नए हवाई मार्ग शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले कुछ सालों में नए सुधारों के साथ उड़ान योजना ने भारत के सबसे दूर दराज के हिस्सों को भी जोड़ा है, जिससे पूरे देश में हवाई यात्रा एक वास्तविकता बन गई है। उड़ान का चलते यहाँ पे हमारा एजुकेशन, बाहर जाना भी बहुत कम समय में हमारे स्टूडेंट भी कर पा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत पुराना सपना रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा, ये सपना साकार हो रहा है। हमारे जनपद में जो एयरपोर्ट बना है, तो उसमें हम लोगों को शौक से ही गए, जहाज में बैठे देखा और कहीं आने जाने में बढ़िया आसानी होने लगी है। ये जो फ्लाइट का सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने इतना माने अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है। इस योजना के तहत 2,80,000 से अधिक उड़ानों के संचालन के साथ 1,40,00,000 से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ। वैश्विक विमानन क्षेत्र में एक उभरते स्तंभ के रूप में भारत इस दशक के अंत तक एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। उड़ान योजना ने भारत में हवाई यात्रा के अनुभवों को पूरी तरह बदल दिया है। इस योजना के जरिए छोटी छोटी जगहों तक हवाई सेवा पहुंच रही है और लाखों लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिला है। उड़ान भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कैंपस नवीन के साथ मेहता पुष्प भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को NDTV वर्ल्ड